हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। सीएसआर नेट दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम आने वाला है और अभी हमारे पास एक महीने के लगभग टाइम रहा है क्योंकि एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट वीक में होगा। तो एक महीने का टाइम है हमारे पास, तो हम एक बार हमारी प्रैक्टिस कितनी है, कितने अपन ने पढ़ाई कर ली है, कितना अपन ने स्टडी कर ली है, उसको देखते हुए हम एक कह सकते हैं कि एक मॉक टेस्ट हम दे सकते हैं यहाँ पर, है ना। ये मॉक टेस्ट है वो अपना जो रियल एग्जाम होता है ना सीबीटी मोड, उसी मोड का मॉक टेस्ट है। और ये मॉक टेस्ट बताएगा कि अभी आपकी प्रिपरेशन कितनी हो गई है और क्या क्या गलती आप कर रहे हो। ओके, तो हम आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आए हैं जो टारगेट कर रहे हैं दिसंबर 2024 को। जिन लोगों की तैयारी चल रही है, जो लोग तैयारी कर चुके हैं, जिनकी तैयारी एक बार हो गई है, रिविजन हो गया है, उन लोगों को ये मॉक टेस्ट देना चाहिए। यह आपका रियल टाइम एक्सपीरियंस बताएगा कि आप एग्जाम के अंदर कैसे परफॉर्म करने वाले हो। वैसा ही इस मॉक टेस्ट में आप परफॉर्म करके देखो एक बार कि भाई आपका पेपर कैसा हो रहा है, आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो, टाइम कितना लग रहा है, एक बार एनालिसिस करो, जिससे कि एग्जाम में वो सारी गलतियां आप वापस न कर सको। ओके, तो ये जो मॉक टेस्ट है हमने अपलोड किया है, ये स्टार्ट हो चुका है 8 नवंबर से, और इसका टोटल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। देखो 120 क्वेश्चन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 75 क्वेश्चन है और 180 मिनट का टाइम रहेगा इसमें आपका, ठीक है। और ये मॉक टेस्ट है, आपको हमारी वेबसाइट पर जाके मिल जाएगा। क्या करना है इसके लिए, इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके सर्च करना है IFAS। IFAS सर्च करोगे तो आपके सामने IFAS की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ ऑनलाइन प्रोग्राम लिखा हुआ आ रहा है उसमें आपको CSIR पे क्लिक करना है। CSIR पे आपको जाना है फिजिकल साइंस पे। फिजिकल साइंस पे जाने के बाद में आपको क्लिक करना है यहाँ पर लर्न फ्री पे। आप लर्न फ्री पे क्लिक करोगे तो लर्न फ्री पे क्लिक करने के बाद में आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन आएगा ऑनलाइन टेस्ट का, इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ से आपको जाना है स्कॉलरशिप टेस्ट पे। और स्कॉलरशिप टेस्ट पे जाके स्क्रॉल डाउन करोगे इसको तो एक सेकेंड तो आपके सामने ये आ जाएगा। देखो मॉक चैलेंज, इस मॉक चैलेंज पे क्लिक करना है जो कि स्टार्ट हुआ 8 नवंबर को। 75 क्वेश्चन है, टाइम यहाँ पर 120 मिनट की नहीं, 180 मिनट का टाइम है यहाँ पर। और इसमें आपको क्या करना है, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है और इसको क्लिक करने के बाद आपकी नया पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन हो गया। पेज ओपन होने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करो, जो भी आपके नेट एग्जाम के अंदर जैसे आपको इंट्रोडक्शन दिया होता है वैसा ही इसमें भी दिया हुआ है, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड करोगे। ये आपके क्वेश्चन शुरू हो गए, ये पार्ट ए है यहाँ पर। पार्ट ए के बाद में यहाँ पे आप देखोगे कि पार्ट बी और पार्ट सी को मिला के टोटल 75 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद में आप है वो रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना। यहाँ आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने सही किए, गलत किए, सारा आ जाएगा। सबमिट करोगे आप, सबमिट करने के बाद में ये सबमिट हो गया पेपर। सबमिट करने के बाद में आपके सामने ऑप्शन आएंगे कि आपने कितना स्कोर कवर किया है यहाँ पर, एनालिसिस के लिए ना, कि आपने टेस्ट देने के बाद कितना क्या रिजल्ट रहा आपका, ना तो टोटल कितने क्वेश्चन किया आपने, रैंक किया ये आपकी, टाइम कितना लगा, परसेंटेज कितने हैं, एक्यूरेसी कितनी है, परसेंटाइल कितना है, या आपका आपने दोस्तों के साथ में कंपेरिजन भी कर पाओगे कि आपकी कौन सी रैंक है यहाँ पर, ठीक है। फिर आप सेक्शंस रिपोर्ट पर जाना और यहाँ जाके आप ये देख सकते हो कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, कितने रॉन्ग किए और कितने स्किप किए, कितने स्किप किए। स्किप पे क्लिक करोगे तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे और उनका आंसर भी यहाँ आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए और ये मॉक टेस्ट दीजिए। थैंक यू सो मच।